ओम शांति। 5/11/2020 प्रातः मुरली मधुर संतान माने बाबा तुम मान को शांति एवं सुखर संपत्ति देवाई आसी तुमर स्वधर्म में हेउचे शांति तेणु तुम्हें माने शांति पाइबापाई एणे तेणे भटकु नाह। प्रश्न एबे तुम्हें माने 21 जन्म पाई असरंती संपत्ति सह ओजन हेबार योग्य होछ काहेकी? उत्तर काहेकी ना बाबा जेतेबेले नुआ सृष्टि रचना करुछंती सेतेबेले तुम्हें माने तांकर सहयोगी होछ। निजर सबकिछि तांकर एही रचना कार्यरे सफल करुछ सेथिपई बाबा तार प्रतिदान रूपरे 21 जन्म निमन्ते तुमको असरंती संपत्ति रे एपरी ओजन करुछंती जहा कि तुमर केबे हेले धन भी सरीब नाही दुख मध्य आसीब नाही किंबा अकाल मृत्यु मध्य हेबो नाही। ओम शांति। मधुर संतान मानकु ओम रा अर्थ त कुहा जाउछ। केहि केहि केवल ओम बोली कहि थांती किंतु ओम शांति कहिबा उचित। केवल ओम रा अर्थ ओम भगवान। ओम शांतिर अर्थ हेउछि मु आत्मा शांत स्वरूप। आमे आत्मा एहा आमर शरीर प्रथमे आत्मा परे शरीर। आत्मा शांत स्वरूप अटे तार निवास स्थान हेउछि शांति धाम। बाकी कौनसी जंगल को गले प्रकृत शांति मिलिबो नाही। परम धाम फेरिबा परे ही प्रकृत शांति मिलिबो। द्वितीय रे जेउठि अशांति थाए सेठि शांति चाहिथांती। एही अशांतिर दुखधाम विनाश होई पुणि शांति स्थापना होइजिबो। तुमको शांतिर संपत्ति मिलिजिबो। सत्य जुगरे ना घरे ना बाहरे बा राजधानी रे अशांति हेबो ताकु शांतिर राज्य कुहाजिबो। एठारे अशांतिर राज्य रहिछि काहेकि ना रावणर राज्य ताहा ईश्वरंक द्वारा स्थापना करा जाइथिबा राज्य। पुणि द्वापर परे असुरी राज्य होइथाय। असुर मानंकु केबे शांति मिलि नथाय। घरे दुकानरे जेउठी सेठी अशांति अशांति सृष्टि होइथाय। पांच विकार रूपी रावण अशांति विस्तार करिथाय। रावणर वास्तव अर्थ कौन एहाकु कौनसी विद्वान पंडित आदि जाणि नाहंती बुझुनाहंती जे आमे वर्षकु वर्ष रावण को काहेकि जळाउछु। सत्य युग त्रेतारे ही रावण नथाय। ताहे उचे दैवी राज्य बाबा तुम मानक द्वारा दैवी राज्यर स्थापना करुछंती। एका तो स्थापना करुनांती तुमे मधुर संतान माने ईश्वरंकर साहाज्यकारी अट। आगरु रावणर साहाज्यकारी थिलो एबे ईश्वर आसी समस्तंकर सद्गति करुछंती। पवित्रता सुख शांतिर स्थापना करुछंती। तुमको एबे ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि। सत्ययुग त्रेतारे दुखर कौनसी कथा ही रहिबो नाही। केही गाली आदि देबे नाही। खराब खाद्य खाइबे नाही। एठारे देख तो अशुद्ध खाद्य खाउछंती दर्शा जाइछि। कृष्णंकु गाई माने बहुत प्रिय लागिथिले। एपरि नुहे जे कृष्ण गौड़ होई गाई मानकर पालना करुथिले। सेठाकार एवं एठाकार गाई मानक मध्यरे बहुत फरक रही। सेठाकार गाई सतप्रधान बहुत सुंदर थिले। देवता मानक परी गाई माने मध्य सुंदर थिले। देखले ही मन खुशी हो जीव। ताहा हुचे स्वर्ग एहा हुचे नरक। समस्ते स्वर्ग को आसी मने पकाई थांती। स्वर्ग एवं नरक मध्यरे राते दिनर फरक रही। रात्रि हेउछि अंधकार। दिन हेउछि आलोकमय अटे। ब्रह्मांक दिन अर्थात ब्रह्मा वंशीकर मध्य दिन हेउछि। आगरु तुम्हें मध्य घोर अंधकार रात्रि रे थिलो। वर्तमान भक्तिर केते प्रभाव रहिछि। महात्मा मानंकु सुनारे ओजन करिथांती काहेकि ना शास्त्रर अधिकारी बहुत बड़ विद्वान अटन्ति। तांकर काहेकि एते प्रभाव रहिछि एकथा मध्य बाबा बुझाउछन्ति।
वृक्षरे प्रथम पत्र बाहरिले सतप्रधान बोली कुहा जीव उपर नुआ आत्मा आसिले निश्चय तांकर प्रभाव अल्पकाल निमंत रहिथाय। सुना अथवा हीरा रे ओजन करिथांती किंतु एसबु मध्य शेष होइजिव। मनुष्यक पाखरे लक्ष लक्ष घर अछि भाबुछंती आमे तो बहुत साहूकार अटु। तुम्हें जानी छो एही साहूकारी बाकी अल्प समय निमंते एसबु माटी रे मिसिजिव। कहार माटी तले दबी रहिव बाबा स्वर्गर स्थापना करुछंती। एही आखि द्वारा शरीर सहित जहाँ किछि देखुछ सबु भस्म होइजिव। एहा हेउछे बे संगम जुगर कथा। तुम्हें जानी छो आमे एही शरीर छाड़ी जाई पुणी पिला होई जन्म नेबु विश्वर मालिक हेबु। बाबा कहुछंती मोर तो निजर शरीर नाही मु ज्ञान एवं प्रेमर सागर अटे। तेबे शरीर बिना तुमको संपत्ति किपरि देबी उपरु तो देबी नाही कौन प्रेरणा द्वारा पढ़ाइबि निश्चय धरा को आसीबा को पड़िबो ना। भक्ति मार्ग रे मते पूजा करुछंती मु समस्तंकर प्रिय गांधी नेहरूंकर चित्र समस्तंकर प्रिय अटे। तांक शरीर को मने पकाई थांती अविनाशी आत्मा जाई पुनर्जन्म नेउची बाकी विनाशी शरीर को मने पकाई थांती। यह भूत पूजा हला ना समाधि करी ता उपरे फूल आदि चढ़ाई थांती। एहा हेउचे स्मृति चिन्ह। शिवंकर केते मंदिर रहिछि सबुठारु बड़ स्मृति चिन्ह शिवंकर रहिछि ना। सोमनाथ मंदिर गायन रहिछि महम्मद गजनी आसी लुटी नेले तुम पाखरे एते धन रहुथिला बाबा तुमको रत्न रे ओजन करुछंती। निज को ओजन करू नहंती मु धनवान हेउ नाही तुमको कराउछि। गुरु मानंकु आजि सुना रूपरे ओजन कले काली मरिजिबे धन कौनसी कामरे आसीब नाही। तुमको तो बाबा असरंती संपत्ति रे एपरि ओजन करुछंती जे 21 जन्म साथी रहिबो। श्रीमत पालन कले सेठारे दुखर नाम रहिबो नाही किंबा अकाल मृत्यु हेबो नाही मृत्यु को डरिबे नाही। एठारे मृत्यु को केते डरुछंती कांदुछंती सेठारे एते खुशी हेबो शरीर छाड़ी पुणी जाए राजकुमार हेबे। जादूगर सौदागर रत्नागर एहा शिव परमात्मा को कुहा जाउछि। तुमको मध्य साक्षात्कार करा जाउछि एपरि राजकुमार हेबो। आजिकाले बाबा साक्षात्कार र पाठ बंद कर देछंती एहा द्वारा क्षति होउछि। एबे बाबा ज्ञान द्वारा तुमरा सद्गति करुछंती। तुमे प्रथमे सुखधाम जीव वर्तमान तो हेउछि दुखधाम। तुमे जानिछ आत्मा ही ज्ञान धारण करुछे सेथि पई बाबा कहुछंती निज को आत्मा बोली भाव। आत्मा रे ही भल अथवा मंद संस्कार रहिथाय। संस्कार शरीर स थिले शरीर सहित संस्कार भस्म होई जाइथांता। तुमे कहुछ शिव बाबा आमे आत्मा एही स्वर द्वारा पढ़ुछु नुआ कथा अटे ना। आम आत्मा मानक शिव बाबा पढ़ाऊंटे यहाँ पक्का पक्का मन रख। सबु आत्मा मानकर से बापा एवं शिक्षक मध्य अटंती। बाबा निजे कहुछंती मोर निजर शरीर नाही मु मध्य आत्मा किंतु मोते परमात्मा कुहा जाउछि। आत्मा ही सब किछि करुछि बाकी शरीर नाम बदलुछि। आत्मा तो आत्मा अटे ना। मु परमात्मा तुम सदृश पुनर्जन्म नेउ नाही। बाबा तो हेउछंती ज्ञानर सागर निजे कहुछंती एही वेदशास्त्र आदि भक्ति मार्गर सामग्री अटे। मु हेउछि ज्ञानर सागर। अच्छा धारणा पई मुख्य सारांश एक नंबर एही आखि द्वारा शरीरर सहित जहाँ किछि देखा जाउछि ए सब भस्म होइजिव। सेथिपाई निजर सबकिछि सफल करिबाकु पड़िव। दुई नंबर बाबा ठारु पूरा संपत्ति पाइबा पई
पाठ पढ़ाक हेब सर्वदा निज भाग्य को स्मृति रखी ब्रह्मांड अथवा विश्वर मालिक हेबाकु पड़ो। बरदान मायर राजकीय रूपर बंधन ठारु मुक्त विश्वजीत जगत जीत हुआ। विस्तार मोर पुरुषार्थ मोर उद्भावन मोर सेवा मोर टचिंग अर्थात अनुभव मोर गुण बहुत भल मोर निर्णय शक्ति बहुत भल यही मोर पुणिया ही राजकीय रूप से माया अटे। माया एभली जादुमंत्र करदे जहाँकि तोर को मध्य मोर करदे से वर्तमान यही अनेक बंधन रु मुक्त हो एकमात्र बाबा संबंध में आसी जाओ तेबे मायाजीत हो एवं मायाजीत आत्मा ही प्रकृति जीत विश्वजीत बा जगत जीत हो जाए। केवल सीए ही गोटे सेकेंड रे अशरीर हेबार निर्देश को सहजरे एवं स्वतही भाव कार्यकारी करिपार। स्लोगान विश्व परिवर्तक तांकु कुहा जीव जे कि कौनसी प्रकार नेगेटिव अर्थात नकारात्मक को पॉजिटिव अर्थात सकारात्मकता रे परिणत करी परिवे। छ ओम शांति।